Works it away, and that is it. 100 in international matches. यहाँ पर एक यंग विराट कोहली अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के इस महान अचीवमेंट पर ताली बजा रहा है। ठीक 11.5 साल बाद वही सचिन तेंदुलकर उस यंग विराट कोहली के लिए ताली बजा रहे हैं। कोहली ने अपने आइडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि दुनिया कह रही थी सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन है। आर यू कॉमेडी मी? अब देखो कोहली ने मौका भी कौन सा चुना। 15 नवंबर 2023 वानखेड़े का मैदान, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां ठीक 10 साल पहले सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कहा था, और ऐसा मैच जिसमें सचिन पाजी स्टेडियम में प्रेजेंट थे, क्योंकि ये कोई अगर बायलेटरल सीरीज होता तो पाजी स्टेडियम में नहीं होते। उस दिन विराट ने सचिन का 20 साल पुराना एक और रिकॉर्ड तोड़ा था। उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो। पर दोस्तों कोहली को 43 शतक से 44 शतक तक पहुंचने में 3 साल 3 महीने और 26 दिन लग गए। ये कहानी इसी सफर की है जहां विराट कोहली ने अपनी करियर का सबसे बुरा फेज देखा, पर एक चैंपियन की तरह कभी गिव अप नहीं किया। और सचिन का वो रिकॉर्ड तोड़ा। दो हजार आठ का साल था और इंडियन क्रिकेट को एक नए सुपरस्टार की तलाश थी। उस वक्त एक यंग लड़का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आया था, उसे चांस मिलता है अपना सपना पूरा करने का, और वो लड़का कोई और नहीं विराट कोहली था। सोचिए एक यंग विराट कोहली अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा है और ड्रेसिंग रूम में उनके सामने बैठे हैं उनके आइडल सचिन तेंदुलकर। विराट के लिए ये सिर्फ डेब्यू नहीं था बल्कि उनका ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। कोहली ने कहा था, I remember I was sitting directly opposite to him in the change room and he was right in front. मतलब मुझे time register करने में लग रहा था कि ये सच है कि बीच में कोई TV screen नहीं है। तो that was a very special moment. विराट का करियर आगे बढ़ने लगा लेकिन उनका रिस्पेक्ट और एडमायरेशन सचिन के लिए कभी कम नहीं हुआ। 2008 से लेकर 2013 तक विराट ने अपने आप को प्रूव किया एज अ फ्यूचर स्टार और अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इसी बीच सचिन तेंदुलकर एक महान रिकॉर्ड के पास पहुंचे, शतकों का शतक। 100 in international matches. ये सचिन का ओडीआई क्रिकेट में 49th सेंचुरी था और ये है यंग विराट कोहली उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए। उसी अचीवमेंट के सेलिब्रेशन में एक इवेंट में सलमान खान ने सचिन से जब ये सवाल किया, सचिन क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको, तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोल दे, नहीं तोड़ पाएगा। तो सचिन का जवाब था, विराट एंड रोहित आर द वंस। फिर 2013 आया और सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। उस वक्त तक विराट कोहली इंडियन क्रिकेट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके थे, जिनके बिना टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। इमेजिन करो, विराट कोहली ने सचिन के साथ अपना डेब्यू किया और अब उन्हीं के सामने अपनी कहानी लिख रहे थे। सचिन के रिटायरमेंट के बाद विराट का गेम एक अलग ही लेवल पर आ गया था। वो चेज मास्टर बन गए थे और हर सीरीज में सेंचुरीज मार रहे थे। जब सचिन रिटायर हुए थे तब विराट कोहली का ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ 17 सेंचुरीज था और अगले 6 साल में उन्होंने सेंचुरीज के नंबर्स को दुगना से भी ज्यादा 43 सेंचुरीज तक पहुंचा दिया था। तब तक सबको लगता था कि अब विराट कोहली जल्द ही सचिन तेंदुलकर का 49वां सेंचुरी ओडीआई का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2019 के उस साल में उनका फॉर्म भी आउटस्टैंडिंग था, रन्स ऐसे आ रहे थे जैसे कोई रूटीन का काम हो। लेकिन फिर आता है 2020 का साल और सब कुछ बदलने लगता है। दोस्तों 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्रिकेट भी रुक गया, मैचेस पोस्टपोन होने लगे। जब क्रिकेट वापस शुरू हुआ तो कोहली का फॉर्म वैसा नहीं था जैसे पहले था। उन्होंने रन्स तो बनाए लेकिन वो सेंचुरीज नहीं आ रही थी जिनके लिए कोहली जाने जाते थे। कोहली पर प्रेशर बढ़ने लगा, एक तरफ उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी तो दूसरी तरफ उन्हें कैप्टेंसी का प्रेशर का भी सामना करना पड़ा। 2020 का पूरा साल कोहली के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। सबको लगने लगा था कि वो अपने स्टैंडर्ड के नीचे खेल रहे हैं। 2021 तक कोहली का लीन पैच और भी ज्यादा गहरा हो गया। IPL में भी उनका परफॉर्मेंस स्ट्रगल कर रहा था और इंटरनेशनल मैचेस में वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था उनका सेंचुरी ड्राउट। कोहली जो रेगुलरली सेंचुरीज मारते थे, उनके बल्ले से 2021 में एक भी सेंचुरी नहीं निकली। कोहली पर हर तरफ से प्रेशर था,
मीडिया, फैंस और खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ। हर मैच के बाद ये सवाल उठता था, कोहली की नेक्स्ट सेंचुरी कब आएगी। ये उनके करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। हर क्रिकेटर को कभी ना कभी बुरे फॉर्म का फेज फेस करना पड़ता है, लेकिन कोहली का ये लीन पैच इतना लंबा था कि लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। इस टाइम पर एक और बड़ा सेटबैक आता है, कैप्टेंसी का छोड़ना। 2021 में कोहली ने सबको सरप्राइज करते हुए T20 की कप्तानी छोड़ दी। उसके बाद BCCI के साथ उनकी डिफरेंसेस खुलकर सामने आई, जब उनसे ODI कैप्टेंसी भी छीन ली गई। सच कहूं तो ये फेज कोहली के लिए सबसे टफ था। इतना बड़ा प्रेशर, इतनी एक्सपेक्टेशंस, और जब आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे खेलते हो तो वो मेंटल बर्डन और भी ज्यादा हो जाता है। विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं, रन नहीं निकल रहे उसके, क्योंकि खेम से बड़ा हो गया था वो, क्रिकेट से बड़ा हो गया था विराट कोहली। मैं जब चाहे आराम कर लूंगा, जब चाहे आके मैं खेल लूंगा, जब चाहे मैं रन बना दूंगा, मैं तो विराट द कोहली। लगा लो कोहली को, कोहली की बोली बंद है अब। लेकिन कोहली ने कभी गिव अप नहीं किया। एक तरफ उनका फॉर्म ठीक नहीं था, दूसरी तरफ कैप्टेंसी का इशू उनके करियर पर असर डाल रहा था। 2022 आते आते सब सोच रहे थे, क्या कोहली कभी वापस अपने पुराने फॉर्म में आएंगे। उन्होंने अपने गेम पर काफी काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट था उनका ब्रेक लेना। जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका टूर के बाद कोहली ने थोड़ा टाइम ऑफ लिया। ये ब्रेक उनके लिए जरूरी था, क्योंकि वो मेंटली फ्रेश होना चाहते थे। कोहली ने इंटरव्यू में बोला था कि वो अपने क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, और प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें गेम से थोड़ा दूर रहना पड़ा। लेकिन इस ब्रेक ने कोहली को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, और उन्होंने वापस आके अपने फॉर्म को ढूंढना शुरू किया। फिर वो दिन आया जिसका हर फैन को इंतजार था। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के अगेंस्ट कोहली ने अपना 44वां ODI सेंचुरी बनाया। 3 साल का सेंचुरी ड्राउट खत्म हो गया था, और जब उन्होंने वो सेंचुरी बनाया तो उनके चेहरे पर एक रिलीफ और खुशी का एक्सप्रेशन था। कोहली के लिए ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये एक फाइट थी जो उन्होंने अपने साथ जीती थी। उनके लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल था, और उन्होंने कहा था, मैंने अपना सबसे बड़ा फाइट अपने खुद के साथ किया, और ये कमबैक मेरी पर्सनल विक्ट्री थी। उनके इस सेंचुरी ने पूरी क्रिकेट दुनिया को वापस से याद दिलाया कि कोहली अब भी एक मैच विनर है। 2023 का साल विराट कोहली के लिए रिडेम्पशन का साल बन गया। इस साल विराट के लिए सिर्फ रन्स नहीं, अपने पुराने कोहली को वापस पाने का था। हर सीरीज में कोहली अपने बैट से जवाब देते गए। जनवरी 2023 में उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट एक और जबरदस्त सेंचुरी मारकर अपना 45वां सेंचुरी बनाया। And he does 3 in his last 4 innings and the king is back to doing what he loves best, scoring hundreds. सीरीज के सीरीज कोहली कंसिस्टेंटली अपने रन्स बनाते रहे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा टारगेट था सचिन का 49वां ODI सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ना। कोहली के अंदर एक आग थी जो सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं थी, बल्कि अपने आप को साबित करने की थी। आई नो, बीइंग अ बैट्समैन, कोहली के माइंड में कभी भी रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। उनका टारगेट सिर्फ अपने टीम के लिए अपना बेस्ट देना होता है, एंड इन द प्रोसेस वो रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। फिर आता है एशिया कप 2023, जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना 47वां सेंचुरी बनाया। नंबर 47 फॉर विराट कोहली। उस दिन इंडियन टीम ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया। 228 रन से उन्हें हरा कर उन्हें वापस से याद दिलाया कि बाप बाप होता है। अब शुरू होता है 2023 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले ही सबकी नजरें विराट कोहली पर थी। कोहली तब 47 सेंचुरीज पर थे, और सब लोग इंतजार कर रहे थे उनके 48वें सेंचुरी का। सबको लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप में कोहली तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कोहली के लिए ये टूर्नामेंट सिर्फ रन्स बनाने का नहीं, अपनी लीगेसी के साथ साथ इंडियन टीम को एक और ट्रॉफी जिताने का मौका था। 19 अक्टूबर 2023 इंडिया का मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट था। सबकी नजरें कोहली पर थी, क्योंकि वो चेज में बैटिंग कर रहे थे। 257 रन का पीछा करते हुए कोहली अपने शतक के करीब थे, और वो शतक सबके जहन में छप चुका है। क्यों, मैं बताता हूँ। एक वक्त पर इंडिया को जीत के लिए 26 रन चाहिए था, और कोहली को भी अपना शतक पूरा करने के लिए 26 रन चाहिए था। आखिर में इंडिया को जीत के लिए 2 रन चाहिए था, और कोहली को शतक के लिए 3 रन। फिर क्या हुआ भाई, और उन्होंने छक्के के साथ अपना शतक पूरा कर इंडिया को मैच जितवाया। 5 नवंबर 2023 को आया एक और इम्पोर्टेंट मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैचेस हमेशा टफ होते हैं, लेकिन कोहली अपने फॉर्म में थे, और आज उनका बर्थडे भी था। ईडन गार्डन्स का मैदान, और कोहली ने क्लासिक स्टाइल में अपना 49वां ODI शतक कंप्लीट किया, और इस सेंचुरी के साथ विराट कोहली अब सचिन के बराबर खड़े थे।
स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। 15 नवंबर 2023, वानखेड़े का मैदान। 10 साल पहले इसी मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कहा था और आज विराट कोहली के पास एक मौका था। और मौका भी देखो, वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच जिसमें द लेजेंड सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में थे। विराट ने उस दिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के लिए एक विराट टोटल खड़ा किया और उस दौरान अपना 50वां ओडीआई शतक कंप्लीट किया, और वो हुआ जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। वानखेड़े की ह्यूमिडिटी में क्रैम्प्स भी हुए। वो गिरा भी। Not maybe as quick as he normally does. That gets stuck to the ground. पर फिर खड़ा हुआ। No, he's okay. He's okay. और he's charging for the second. He will get the second. Number 50 arrives for Virat Kohli, and he stands alone aloft on that summit. Nobody else there. And that feeling of achievement will be tinged with a little bit of humility in the fact that he's gone past someone that he absolutely adored.